बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली कुकिंग में खुश आमदीद। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है कीमा बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो आइए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो कीमा लिया है मटन का, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इसको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। मसालों में यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1.5 टी स्पून नमक है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टी स्पून ज़ीरा पाउडर है और 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर है। यहाँ पर जो साबुत गरम मसाला हम यूज़ करेंगे उसमें 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 8 से 10 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है और 1 टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 200 ग्राम मैंने दही लिया है। 4 टेबल स्पून लेमन जूस है और 2 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है, होममेड है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और 3/4 कप हम ऑयल यूज़ करेंगे। तो आइए अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी, तो पतीली में मैंने तेल ऐड कर दिया है, आँच मेरी अभी मीडियम है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और अब हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जी, तो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं यहाँ पर साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी और इसको तकरीबन हम 30 से 40 सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। जी, तो हमारे सौते हो गए। अब मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और अब मैं इसको तकरीबन 1 मिनट तक इसको भूनूँगी मसाले के साथ। जी, तो मैंने लहसुन अदरक को भून लिया है। अब मैं इसमें कीमा ऐड करूंगी। और कीमे के साथ ही हम ये वाले मसाले ऐड करेंगे, धनिया, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। और अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करती हूँ जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए कीमे का। जी, तो कीमे का कलर चेंज हो गया है। मैंने थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं यहाँ पर दही ऐड करूँगी। कीमे ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, पानी अभी मैंने कोई ऐड नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर दही ऐड करूँगी और अब मैं इसकी पहले अच्छे से भुनाई करूँगी पानी इसका, ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए। जी, तो कीमे को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया था। पानी जो कीमे ने छोड़ा और दही ने छोड़ा है, मैंने उसी में इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसका तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर मैं टमाटर ऐड करूँगी और इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बनाऊँगी, पकाऊँगी, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। जी, तो तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इसको टमाटरों को भी थोड़ा सा पका लिया है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब इन्होंने भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर मैं 1/2 कप पानी ऐड करूँगी, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आंच में यहाँ पर अब मीडियम टू लो रखूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट हम कीमे को पकाएंगे, जिसमें कीमा बिल्कुल हमारा डन हो जाए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि हमारा कीमा बिल्कुल कम्प्लीटली डन नहीं हो जाता। जी, तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। इन बिटवीन आके मैं चमचा चलाती रही हूँ और हमारा कीमा बिल्कुल गल गया है। अब आंच में थोड़ी तेज़ करूँगी और इसकी अब मैं भुनाई करूँगी जब तक कि इसका तेल नहीं ऊपर आ जाता। जी, तो कीमे को मैंने अच्छे से भून लिया है, इसका तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैं यहाँ पर लेमन जूस ऐड करूँगी, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, और इसको अब मैं मिक्स करूँगी और चूल्हा बंद करूँगी और फिर चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप। जी, तो अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। इसके लिए मैंने पतीली में पहले 1/2 कप पानी और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छा, चावल मैंने 1 किलो चावल लिए थे, इसको मैंने गरम मसाला, हरा धनिया, पुदीना के साथ और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है, तकरीबन 3/4 तक डन कर लिया है। इसमें जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं उसकी जो पूरे इन्ग्रीडियंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर पहली लेयर में चावल की लगाऊँगी।
जी, तो चावल की मैंने लेयर लगा दी है, चावल मैंने 3/4 तक डन किए हैं। अब मैं यहाँ पर कीमे की लेयर लगाऊंगी। सारा कीमा हम एक साथ ही एक ही लेयर में लगाएंगे। जी, तो मैंने कीमे की पूरी लेयर लगा दी है, अब मैं इसके ऊपर दोबारा चावल की लेयर लगाती हूँ। जी, तो मैंने चावल की लेयर लगा दी है। अच्छा, एक और दफ़ा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि चावल बॉईल करते हुए मैंने जो जो मसाले इसमें ऐड किए हैं उसकी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर थोड़े से फ्राइड अनियंस थोड़े से डालूंगी। और मैंने जर्दे के रंग थोड़े से पानी में घोल के रखा हुआ है, इसको मैं डालूंगी। और अब हम इसको दम पे रख देंगे। अब मैं इसको कवर करूंगी, दम पे रखूंगी और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। जी, तो तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए। अब हम इसको इसकी लिड हटाते हैं और इसको अब हम हल्का सा मिक्स करते हैं। ये कितने अच्छे से इस पर कलर आया है। और अब मैं इसको निकालती हूँ। जी, तो आज की हमारी रेसिपी कीमा बिरयानी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आप रायते, चटनी और या फिर सैलेड के साथ सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल डेली कुकिंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।